Good morning. Today we will draw the still life pencil with the help of pencil shading. Still life means stationary, the object which is situated in the same position, non-living things, as in the simple word, jo non-living things hoti hai, means still life, isme koi jaan nahi hai. So, and the first picture is a cup and a plate, okay, and jo cup and plate ko shed dena hai with the help of 4B or 6B pencil ki madad se shed the picture, but carefully. First you draw the outlines of the picture, okay, when dark it, और उसके बाद उसको जो है अंदर शेड देना है, शेड बाहर से अंदर की तरफ शेड देना पड़ता है इसमें. और जैसे कि ये एक सिंपल पिक्चर है कप और प्लेट की, और उसकी सबसे पहले आउटलाइन को डार्क करना है, और विद द हेल्प ऑफ टू पेंसिल्स, दैट इज़ अ 4B एंड 6B पेंसिल की मदद से इसमें इफ़ेक्ट देना है, शेड देना है, लाइट और डार्क इफेक्ट देना है. Now, and the first picture is cup. After shedding, it is converted into this picture, okay? ये इसको shed देना है, सबसे पहले shed दे करके इसको, और इसको ये complete इसको करना है, okay? और second इसका picture एक और है, ये lamp shed है, ये lamp shed पहला वाला, ये plain है, और इसको जो है, इसको भी उसी तरीके से draw करना है और shed देना है, जैसे कि cup और प्लेट को दिया था. इसमें भी हमको डार्क और लाइट कलर की पेंसिल का यूज़ करना है शेड देने के लिए, लेकिन उससे पहले इसकी आउटलाइन को कवर करनी है, और भी केयरफुली इसको जो है शेड देने के बाद ये लैम्प, ये इस तरीके से लैम्प डार्क और लाइट शेड पेंसिल की मदद से दे करके इसको कंप्लीट करना है. आराम से इजी वे में इसको जो है ये कंप्लीट करना है, और इसमें बीच बीच में इसको कुछ शेड दे करके, या थोड़ा सा पेपर से इसको रैप हल्का हल्का इसको रगड़ करके इसको लाइट और डार्क पैचेस के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ओके. सो ड्रॉ दिस इमेज विद द हेल्प ऑफ 4 and 6 HB पेंसिल, एंड गिव द लाइट एंड डार्क इफेक्ट, ओके, as you shown in the picture. Yes, first wala ye wala aur ye isko is tarike se isko draw karna hai, okay.